दोस्तों, कलयुग में सतयुग जैसा माहौल देखने वाले योगी नारायण जी को शायद आप ज्यादा ना जानते हों, लेकिन दक्षिण भारत के इस भविष्यवक्ता ने ऐसी ऐसी भविष्यवाणी की हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। दक्षिण भारत के कर्नाटक के योगी नारायण जी ने अपनी पुस्तक काल ज्ञान में उस महापुरुष के साथ साथ उनके द्वारा लाए जाने वाले राम राज्य का भी जिक्र किया है। योगी नारायण जी की भविष्यवाणी कहती है कि वह दैविक शक्ति वाला महापुरुष पूरे विश्व को एक करके पूरे साम्राज्य पर राज करेगा, सबका प्रभु बनेगा। वह महापुरुष उत्तरी भारत से हो सकता है, ऐसा संकेत दिया है। उस महापुरुष का शासन धर्म युक्त होने के कारण वर्षा अच्छी होगी, फसल भी अच्छी आएगी। जनता आने वाले समय में ज्यादा पैसों के पीछे ना पड़कर और अपने समय को बर्बाद ना करके तत्वचिंतन, आत्म कल्याण व लोक कल्याण के कार्य में मगन रहेंगे। औषधियों से ठीक ना होने वाली बीमारी को प्रारब्ध के पाप का फल बोलते हैं, लेकिन उसके द्वारा दिए गए तारक मंत्र से उनके साम्राज्य में आपको प्रारब्ध कर्म के पाप का फल नहीं भोगना होगा और किसी भी प्रकार के असाध्य रोग ठीक हो जाएंगे। वाणी नंबर 22 पेज नंबर 225। उसके आदेश से शराब, तम्बाकू, गांजा और भी जितने नशीले पदार्थ हैं उनको खाना पीना तो दूर, हाथ लगाने को भी निषेध होगा। वर्षा में ऊंच नीच का कोई भी प्रश्न नहीं रहेगा, सभी आपस में प्यार से मिलजुल कर रहा करेंगे। कौम, जाति, धर्म के नाम पर झगड़ा कराने वाले स्वार्थी नहीं रहेंगे। वाणी नंबर 23 पेज नंबर 229। इससे पहले बताई गई भविष्यवाणी में लोक प्रभु बनने वाला वो महापुरुष ब्रह्म विद्या धुरंधर गुरु होगा, अध्यात्म का पूर्ण जानकार होगा, परब्रह्म को बड़े साहस पूर्वक ढंग से बताएगा कि पूर्ण परमात्मा ही पूजा के योग्य है, पूर्ण ब्रह्म की ही पूजा करनी चाहिए। वाणी नंबर 24 पेज नंबर 235-236। वह महापुरुष अपने अनुयायियों को रेच कुंभक यानी श्वास उश्वास के जरिए अजप अजाप मंत्र देकर भक्ति साधना कराएगा। इससे मन संयमित रहेगा, इंद्रियों पर विजय प्राप्त होगी, मनोलय यानी मन में शांति होगी, अष्ट सिद्धि तत्व ज्ञान युक्त होकर जीव मोक्ष की ओर बढ़ेगा।